आ चुके हैं डैम की ओर। तो जो यहाँ का डैम है जिसे नर्मदा डैम बोला जाता है, तो अभी वहाँ पे हम जा रहे हैं। काफ़ी ऊपर है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है अभी, तो जा रहे हैं अभी, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ चाय कॉफ़ी सब अवेलेबल यहाँ पे मिलता है। तो आपको यहाँ पे बट है लेकिन यहाँ पे कॉस्टली है थोड़ा, और बसेस सर्विस फ्री है आपको यहाँ पे डैम से आने के लिए। मैं डायरेक्ट आया हूँ यहाँ पे, जो बस सर्विस थी। भैया डैम का रास्ता कहाँ से होगा? डैम जाने के लिए रास्ता यहाँ से होगा ना? थैंक यू। डैम की डिटेल्स है पूरी, कैसे डैम बना था। तो आप सभी का स्वागत है यह जगह पे, और यह जगह ऐसी है कि सरदार सरोवर डैम को पास से देखने का व्यू बना है। तो सरदार सरोवर डैम बना है दो माउंटेन के बीच, सामने की रेंज सतपुरा रेंज और हम खड़ी है विंध्याचल माउंटेन की। तो 1.2 किलोमीटर डैम की लेंथ है और हाइट है डैम की बेस लेवल से 163 मीटर एंड सी लेवल से हाइट रहेगी 146 मीटर। तो 2014 में जो हाइट इंक्रीज की, तो ऊपर में आपको जो व्हाइट पियर्स दिख रहे हैं और पियर्स के बीच ब्लैक पोर्शन में लगे गेट्स, तो वह गेट ही रखे, तो गेट की हाइट रहेगी 18 मीटर्स और वन गेट ओपन करने पर 1 लाख क्यूसिक पानी डिस्चार्ज कैपेसिटी, ओके। तो 30 गेट्स है, तो नायग्रा फॉल्स से 1.5 गुना पानी ये डैम के अंदर से निकलता है और वही पानी आगे जाके वेस्ट वाटर जा रहा है अरबियन सी एंड ऑफ स्ट्रीम में जो वाटर स्टोरेज है जो नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम MP, तो वही पानी को रोक के जो रिजर्व बना हो जो सरदार सरोवर, तो अभी 131 मीटर पानी का लेवल है एंड मैक्सिमम लेवल 138 मीटर होने पर ही पीछे में जो रिजर्व तैयार होगा 214 किलोमीटर, जबकि इस और 45 किलोमीटर MP बॉर्डर एंड 6 किलोमीटर महाराष्ट्र बॉर्डर। तो 193 विलेजेस MP अफेक्टेड, 19 गुजरात एंड 36 महाराष्ट्र विलेज अफेक्टेड। तो फोर स्टेट एग्रीमेंट के हिसाब से पानी का फायदा गुजरात को रहेगा और बिजली का फायदा MP को होगा, और साथ में दोनों साइड पे दो टावर आपको दिख रहे हैं जो है रोप पे। अच्छा, जो सामने जो कनेक्ट हो रहे हो, जो टावर है उसकी हाइट रहेगी 110 मीटर एंड दो केबल जो रोप लगे वो वायर है 1567 मीटर विदाउट जॉइंट केबल, ओके। एंड यही क्रेन को 1988 में जर्मनी से इंपोर्ट किया था, 1988 में, ओके। एंड यही डैम के लिए जो मटेरियल बनाया जाता पानी की जगह आइस का यूज हुआ, पहले यहाँ पे आइस प्लांट, बेचिंग प्लांट और स्किनिंग प्लांट था, और पूरा उसको अभी वर्कआउट खत्म हो चुका है इसलिए उसको निकाल दिया है, ओनली क्रेन ही है। और क्रेन का जो कैरी कैपेसिटी 28 टन लोड उठाने का, ओके। तो 28 टन कैरी करने पर दोनों साइड पे लगे जो टावर है मूवेबल है 400 फीट खुद का बैलेंस के लिए, ओके। तो ये डैम हाइट में है इंडिया में 3rd नंबर एंड मटेरियल यूज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट डैम इज द हूवर डैम USA, 80 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल यूज एंड ये डैम के अंदर 300 करोड़ सीमेंट बैग्स एंड 1 लाख टन स्टील यूज हुआ है, ओके ओके ओके। एंड यहाँ पे अभी हाइड्रो पावर प्लांट भी है, तो सामने आपको यहाँ पे रेड बिल्डिंग दिखेगा, ये रेड उसके नीचे 350 फीट डाउन में बना है रिवर बेड पावर प्लांट एंड 50 मेगा की 200 कैपेसिटी के 6 टर्बाइन है, okay. तो 1 टर्बाइन कैपेसिटी 200 मेगावाट, तो टर्बाइन लोकेशन रहेगा -11 मीटर डाउन एंड बैक साइड एरिया स्टोरेज वाटर। तो सामने ये जो नॉन ओवरफ्लो सेक्शन दिख रहा है उसी के अंदर 110 मीटर है 6 पेनस्ट्रोक लगाए हैं, अच्छा। तो पेनस्ट्रोक के थ्रू टर्बाइन के ऊपर पानी गिरेगा 350 फीट डाउन में, टर्बाइन को रोटेट करेगा 136 RPM एंड वही वाटर हमारे नीचे से अंडरग्राउंड जस्ट नर्मदा रिवर में जा रहा है, ओके, और ओके। आगे जाके अरबियन सी, बट 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में दूसरा एक चेकडैम बना हुआ है और उसी का बैक वाटर यहाँ पे स्टोरेज रखा गया है एंड वही पानी के अंदर अभी एकता क्रूज एंड वही पानी जो है जिसमें 6 टर्बाइन, जिसमें 3 टर्बाइन का फ्यूचर में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर वही पानी का फिर से रिसाइकलिंग होगा, ओके सुपर। और ये जो डैम है, डैम के ऊपर के हिस्से में दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट है केनाल हाई पावर हाउस एंड 50 मेगा की 5 टर्बाइन, ओके। 250 मेगा बिजली बनाने के बाद वही वाटर को डैम से राइट साइड में नर्मदा केनाल, अच्छा। तो एवरेजली 4 रॉक फिल डैम बनाने के बाद वही वाटर को डाइवर्ट किया है नर्मदा केनाल, तो नर्मदा केनाल स्टार्टिंग पॉइंट 10 किलोमीटर्स अवे एंड नर्मदा केनाल कैपेसिटी 40,000 क्यूसेक्स, ओके। एंड वही केनाल का जो पानी है विदाउट पंपिंग पहुंचाया गया सौराष्ट्र में मरिया तक और लिफ्ट करके पानी कच्छभुज में दिया है, ओके ओके। गुजरात में नेटवर्क रहेगा 458 किलोमीटर्स इन कच्छ मांडवी और 74 किलोमीटर्स केनाल इन राजस्थान,
तो यही केनाल से गुजरात में 18 लाख हेक्टर, 75,000 हेक्टर राजस्थान एंड 37,000 हेक्टर महाराष्ट्र लिप इरिगेशन, जबकि पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है इरिगेशन के लिए। और ये जो डैम बनाने का जो टोटली जो बिजली बनती है 1450 मेगावाट पावर हाउस में से, जिसमें शेयरिंग रहेगा तीन स्टेट में, तो पास में ये फर्स्ट टावर ये है महाराष्ट्र। ओके, 27% बिजली महाराष्ट्र में जाएगी। और सेकंड टावर गुजरात का 16% गुजरात एंड 57% एमपी। गुजरात में मेन पर्पज इरीगेशन और ड्रिंकिंग वाटर। और ये जो डैम बनाने का जो विचार दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इन 1946 और 1961 डैम का फाउंडेशन स्टोन रखा, जो यहाँ से 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम नवागांव के पास, बट लो हाइट के कारण डैम का रिलोकेट किया, तो रीस्टार्ट वर्क इन 1979 एंड 2017 में इनॉग्रेशन किया मोदी साहब। ओके, कितना साल लगा होगा डैम बनने के लिए? 79 से अब तक गिने तो 38 इयर्स में पूरा। अच्छा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था सरदार जी का, एंड स्टार्टिंग से गिने तो 58 इयर्स के बाद प्रोजेक्ट कम्प्लीट। ओके, आप सभी को हैप्पी जर्नी। थैंक यू। वो तो इसलिए रहा ना कि मैं ग्रोथ होता रहा। एग्जिट यहाँ से होगा ना मैडम? तो मैडम ने काफ़ी इजीली समझा दिया का क्या है डैम का रीजन। तो अरे डैम की कैपेसिटी उन्होंने बताया क्या, यहाँ पे 2 साल तक पानी आपको, अगर पानी बारिश ना हो तो 2 साल तक पानी यहाँ पे मिल सकता है। मेरी किताबों में नहीं, बुक्स में बना था, हमारी किताबों में।